अपने काना ब्रो के इशारे को भी नहीं समझ पा रही आध्या, भूल गई काना ब्रो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आप सबको याद होगा कि जब इसकी इंट्रोडक्शन हुई थी छोटी अनु की, तब वो काना ब्रो की बहुत बड़ी भगत थी। हर दिल की बात वो काना ब्रो से करती थी और उसके रिस्पॉन्स में उसको उसका अवार्ड भी मिला, उसके माँ बाप उसको मिले। तब भी वो, क्योंकि अनुपमा कान्हा जी की भगत है, तो अनुपमा की बेटी छोटी अनु भी कान्हा जी की भगत निकली, तो दोनों ही अपने अपने तरीके से कान्हा जी के इशारों को समझती थी, कान्हा जी की बात मानती थी। मगर अनुपमा तो आज भी कान्हा जी की भगत है, मगर छोटी यानी कि आध्या जब से बनी है वो अपने कान्हा ब्रो को भूल गई। इसका सबसे बड़ा सबूत आज की इस एपिसोड में हमें दिखाया गया। चलिए बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब छोटी जो आध्या बनी है, ये अब सीधी कान्हा ब्रो से पंगे ले रही है। पंगे ले रही इसलिए बोला मैंने कि जिस तरह वो आज अनुपमा अपनी और अनुज की फोटो को जलाने की कोशिश कर रही थी, तो साफ साफ था कि आग जलते जलते बुझ गई, फोटो को थोड़ी सी लगी, मगर जहां से फोटो इनकी शुरू होती है वहां तक आग पहुंची नहीं। लाइटर ही बंद हो गया चलना, फिर दूसरा लाइटर लेके आई वो भी नहीं चला। तो ये काना ब्रो का एक बड़ा इशारा था आध्या के लिए, आध्या नहीं कहूंगी यहां पे, काना ब्रो की छोटी के लिए कि बेटा तू समझ, ये फैमिली टूटने के लिए नहीं बनी है। मैंने अगर इस फैमिली को जोड़ा है, एक अनाथ बच्ची को अनुज अनुपमा को जोड़ा है, अनुज कहां अमेरिका में रहता था 26 साल से प्रेम कर रहा था, फिर वो यहां पे आया, फिर उसका प्रेम उसको मिला भी तो 3 बच्चों के साथ मिला, तो भी अनुज ने उसको वेलकम किया, फैमिली बनाई, तुमको लिया, एक फैमिली बनी। तो ये फैमिली ऐसे ही नहीं कि कोई अमेरिका से आया, कोई इंडिया में बैठा, कोई अनाथालय में बैठा, ऐसे ही जुड़ गई या ऐसे ही बन गई। इसके पीछे कारण था, जो कि भगवान जिस चीज के बारे में लिखते हैं तो वो लिखते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा कारण दिखा और ये फैमिली बनी, मगर इंसानी जो षड्यंत्र होते हैं उसकी वजह से ये फैमिली टूटी। मगर फिर भी कान्हा जी के लिए तो फैमिली है ही, तो वो कैसे इसको छोटी को इतनी बड़ी गलती करने दे। वो इशारों इशारों में बता रहे हैं आध्या को कि ये फैमिली नहीं टूट सकती है बेटा, तुम अगर ये चाहती हो कि मैं इस फैमिली को तोड़ू तो मैं ये होने नहीं दूंगा। तो ये कान्हा ब्रो का इशारा था बार बार लाइटर का बंद होना और फोटो का ना जलना, जिससे हमें भी होपफुल रहना चाहिए कि आगे जाके मान मिलेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सीन, चाहे ये नेगेटिव सीन था मगर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इसमें हम साफ साफ देख पा रहे थे कि भगवान की मर्जी क्या है। तो बहुत सारी चीजें जो है आ रही हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारी बातें डिस्कस हो रही है, मगर उन सबको मैं साइड पे करती हूं, मगर मैं इस सीन पे अगर कंसंट्रेट करती हूं तो ये सीन दिखाता है कि कान्हा जी की मर्जी क्या है। क्योंकि जब अनुपमा अनुज फिर से मिले अमेरिका में, तब भी कान्हा जी थे मिलवाने वाले, आज फोटो नहीं जली तब भी कान्हा जी थे। तो ये इशारे छोटी को समझने पड़ेंगे, क्योंकि छोटी जब भगत थी कान्हा जी की तो कितने प्यार से कान्हा जी को याद करती थी, दिलों में बसी हुई थी, मगर ये तो अब उस छोटी को भी कहीं ना कहीं ओवरकम कर गई है। नेगेटिविटी इतनी आ गई है इसके अंदर की क्या ही कहने। तो ये आज के वीडियो में मुझे डिस्कस करना था आपके साथ, ये कान्हा जी वाला चैप्टर तो मजा आया मुझे तो ये देख के सीन। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.